दोस्तों, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि दिल्ली के अंदर एक बड़ी ही दुखद घटना हुई है, जिसमें जो पर्सन ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे थे उनकी शॉक लगने के कारण डेथ हो गई है। पर अगर फ्यूचर में हम इस तरीके की घटनाओं से बचना चाहते हैं तो हमें जिम ओनर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की प्रॉपर ग्राउंडिंग कराएँ, क्योंकि और इसके साथ साथ RCC भी इंस्टॉल करवाएँ हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ, क्योंकि RCC भी काम करती है किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि जितना एक पॉइंट पर इनकमिंग करंट आ रहा है उतना ही उस पॉइंट से आउटगोइंग करंट जा रहा है। अगर कोई फॉल्ट आता है सिस्टम के ऊपर तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इनकमिंग और आउटगोइंग करंट के बीच में, और जैसी वो इस डिफरेंस को सेंस करती है RCC भी, वैसी वो ट्रिप कर जाती है और जो पर्सन है उस पर जो मेंटेनेंस कर रहा है या फिर उसको यूज़ कर रहा है, जैसे प्रेस को कोई यूज़ कर रहा है, तो उस पर्सन को करंट से बचाती है। तो ये एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है और सरकार को इसको मैंडेटरी करना चाहिए।